ऐसा ना हो कि हमें जिस टाइम दौरा पड़ जाए और हम वहाँ पर इस दौरे को मल का इस्तेमाल करें, ये मत। अक्टूबर 2014 यानी कि स्वच्छ भारत अभियान ड्राइव जो थी वो शुरुआत की गई थी ताकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो स्वच्छ बने, एक मिसाल दी जाए कि ये सिटी जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। अगर बात करूँ मैं जम्मू की तो द स्मार्ट सिटी का टैग जो है जम्मू को दिया गया है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जहाँ कई अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वहीं कहीं इसके लूप होल्स भी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 जनवरी को 2 अक्टूबर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रही हूँ और स्वच्छ भारत अभियान की मिसाल जो है मैं आपको जम्मू के बस स्टैंड से दिखा रही हूँ कि जम्मू से जहाँ पे कठुआ की बस जाती है वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये स्वच्छता की मिसाल किस तरह जो है वो कायम की गई है। कि एक वादा किया गया था कि एक स्वच्छ सिटी बनाएंगे, एक अच्छी सिटी बनाएंगे ताकि टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो। अगर मैं जम्मू की बात करूं खासतौर पे तो जम्मू में जो है ज़्यादातर टूरिस्ट आता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर टूरिस्ट आकर इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे तो किस तरह से जो है वो स्वच्छ भारत अभियान ड्राइव कंटिन्यू की जाएगी, जहाँ पर लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन जब कहीं ऐसे लूप होल सामने आते हैं कि लोगों को परेशानियाँ आती हैं और उन्हें आवाज़ उठानी पड़ती है कि यहाँ पर जो है हमारे भी देख रेख की जाए। बात करूँ मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तो वहाँ से मेयर जो है वो भी यहाँ पर आए थे दौरा करने कि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान ड्राइव चलाया जाए, लेकिन इस तरह से जो है यहाँ पर ये ड्राइव चलाई जा रही है कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है इन लोगों की देखरेख करने। जम्मू कठुआ जो है यूनियन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे आज कि हमारे हक के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता है, इतना समय हो गया है हमें उनके पास जाते हुए, आखिरकार क्यों लोग जो है नहीं आते हैं। उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ तक की बात हो कोविड महामारी की तो सबसे ज़्यादा ख्याल जो है वो स्वच्छता का रखना होता है ताकि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमार ना हो जाए। और इन लोगों की ये शिकायत है कि हम लोग काफ़ी समय से जो है इस गंदगी के चलते बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जो है कहीं ना कहीं जूं नहीं रेंगती है। तो आखिरकार ये लोग कब तक गुहार लगाते रहेंगे कि यहाँ पर कोई आए और इस सब चीज़ों की जो है वो देखा जाए। आप देखो कितना गंदगी जो है यहाँ पर है और पूरे जम्मू सिटी का जो भी कूड़ा कचरा आता है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक क्रेन आती है और उसी तादाद में देखिए आप यहाँ पर कि अभी भी कूड़ा यहाँ पर फेंका जा रहा है, ऑलरेडी इतनी गंदगी है। इस साइड से मैं बस स्टैंड की बात करूं तो लोगों का जमावड़ा भी काफ़ी रहता है, लोगों ने यहाँ से आना जाना होता है, जम्मू से कठुआ जाने वाले लोग जो हैं वो यहीं से बस करके जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर पीछे बस स्टैंड के साइड पे जो है ढाबे बने हुए हैं वहाँ खाना खाना, इस हालत में बिल्कुल साथ में अगर ढाबा हो तो कोई कैसे खाना खा सकता है। तो इन लोगों का यही कहना है कि काफ़ी मुश्किलें जो है हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं कि इतनी गंदगी में हम लोग नहीं रह सकते हैं। जम्मू कठुआ बस यूनियन की ओर से मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करती हूँ। सर, इतनी गंदगी का ढेर यहाँ लगा हुआ है, किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है यहाँ? मैं आज से पहले भी काफ़ी दफ़ा प्रेस में कहा है, म्यूनसिपल्टी वालों के ख़िलाफ़ मैंने बोला है, लेकिन म्यूनसिपल्टी वाले जो उनको कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख ही रहे हैं जहाँ पर जो ये हालत है, जहाँ पर इस किस्म की हालत है कि यहाँ पर इतने मेरे ड्राइवर कंडक्टर हर लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये बेचारे बुज़ुर्ग जो है बीमार हो रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपल्टी जो है कैसी मतलब कि हमारी कॉरपोरेशन है जिसको मतलब के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। काफ़ी दफ़ा हमने कहा हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा स्टेप उठाए जिसकी वजह से कि पूरी सिटी को प्रॉब्लम हो जाए, हम नहीं चाहते कि अपने हमारे जम्मू वासियों को इसकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं हमें एक मतलब कि ऐसा सिस्टम ऐसा कोई कदम उठाने के लिए कि जिसकी वजह से हम पहले ही परेशान हैं उसके बाद लोग भी परेशान हों। हम नहीं चाहते हैं कि कोई सड़क जाम की जाए या म्यूनसिपल्टी का ऑफिस में किसी किस्म का कोई दंगा फसाद किया जाए जिसकी वजह से इनकी कमिश्नर साहब की आँखें खुलें,
लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा जो हम सोचते हैं वो ऐसा हो नहीं रहा। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा करा, लेकिन आज भी अगर जहाँ से उठाकर जे पीछे काफ़ी जगह पड़ी है अपनी इसके पास, तभी के पास पड़ी है जगह, जहाँ से उठाकर सिर्फ वहाँ पर लेना हो वहाँ से उठाकर जे लेते जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जे भी लोग जो है बच जाएंगे, ये हमारे रूट की जम्मू कठुआ रूट की 300 गाड़ी, 350 गाड़ी हमारी है, 350 गाड़ी आरसपुरा की है, उसके बाद शंभ के लोग भी हैं, उसके बाद साथ ही आर्मी का मतलब कैंप लगा है, आर्मी का मतलब कि जहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर हैं, जहाँ पर ये भी हैं, इनके बच्चे भी फैमिली इनकी रहते हैं, इन्होंने भी काफ़ी दफ़ा कहा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो हमारे म्यूनसिपल्टी के जो अपने कमिश्नर साहब हैं, मैडम जी हैं, वो मतलब उनको बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा। इतना समय हो गया आपको आवाज़ उठाते कि यहाँ पर साफ़ सफाई की देख रेख की जाए, यहाँ पर कोई यहाँ पर दौरा करने आया कि क्या परेशानी है लोगों को? दौरा उनको घर पर खुद ही पड़ा रहता है, लेकिन जहाँ पर दौरा करने के कोई नहीं आता, उनको खुद ही दौरा पड़ा रहता है कि ये यहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमें जिस टाइम दौरा पड़ जाए और हम वहाँ पर इस दौरे को मल का इस्तेमाल करें, ये हमारी मल के थोड़ी सी हमारी एक समझ लो कि एक थोड़ा सा हम सहन शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जिसी टाइम हमें दौरा पड़ गया तो वो मुश्किल हो गया, उनको दौरा पड़ना बंद हो जाएगा। सर इतनी मुश्किलें यहाँ देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे इतनी बसेस जाती हैं, लोग आते जाते हैं, महामारी का समय जहाँ सफाई का देख रेख की जाती है, जब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है सैनिटाइजर मशीन्स लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर गंदगी का ढेर है, रोज़ यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, कचरा फेंकती और चली जाती है। हमें यही कहते हैं कि एक बार इधर फेंक दिया, उधर से ला कर सिटी से, और फिर इधर से उठाकर उधर ले जाते हैं, या डायरेक्ट क्यों नहीं उधर ले जाते हैं, तभी मैं इतनी जगह इतनी खुली है, तभी मैं फेंके जाके, हम तो इतने तंग आ चुके हैं ना, जे हमारे घर वाले हमें घर नहीं बनने देते, वो बोलते हैं भाई उधर इतनी गंदगी में आप रहते हो, क्यों रहते हो गंदगी में, कहाँ रहे, इनको एक बार नहीं 20 बार बोला है, ठीक है भाई इधर नहीं उठाओ, और आगे से आंखें दिखाते हैं, इनके अफसरों को भी बोला है, हमने सभी को बोला है भाई ये गंदगी इधर नहीं फेंको, अब हम इतने तंग आ चुके हैं कि हम इनको ना अपना कुछ करके दिखाएंगे, हम आई रात को पता क्या करेंगे, इधर 10-20 बसें लगा देंगे, हम देखते कैसे गंद फेंकते इधर जे, हमने इनको इंसानियत के नाते बहुत बार बोला है कि गंद नहीं फेंको इधर, लेकिन जो सुधरते नहीं है, ठीक है नहीं, जे पता क्या बोलते हैं, ड्राइवर क्लीनर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं इतनी, इनको दिखाएंगे हमारी क्या वैल्यू, ठीक है बाद में देखें, हम जो हमारे प्रधान है ना उनसे हम बाद में बात करेंगे। लोग इंसान नहीं है, उन्हें महामारी, उन्हें गंदगी जो है इन्फेक्शन नहीं होती, वो बीमार नहीं पड़ते, बीमार है ना, हम बीमार पड़े हुए हैं, हमें ठीक अब हुए हैं, जे हमें जो बीमारी इधर लगी हुई है जे ठीक अब होने देगी हमको, एक बार उठा के लेते हैं 100 बार फेंकते हैं इधर से, ठीक है जो शहर का गंद इधर फेंकते हैं, ठीक है ना, हमने ऐसा ऐसा गंदगी देखी, ऐसा ऐसा इसमें देखा है कि वो जिंदगी में कभी हम देखेंगे नहीं है, इनको को पता नहीं लगता, ठीक है नहीं, जे देखो इतने दे सर क्या आ रहा है, जे देखो जैसे ऐसे ऐसे कीटाणु आ रहे हैं, ठीक है नहीं, पास में हमारे ये होटल है, ठीक है उनका बेचारों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है, हम उधर खाना नहीं खाते क्योंकि ये बदबू की वजह से, ठीक है उनका भी कारोबार बंद है, दो होटल है, ठीक है, और इधर देखो गाड़ियां हम लगा के ना हम उधर आगे दाई बाई भाग जाते हैं, गर्मी में इतनी परेशानी होती है कि हम गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं, अभी तो सर्दी है ना इसकी बदबू कम है, जब गर्मी आती है ना फिर इसकी बदबू होती है, बहुत बदबू आती है इसकी, इसलिए हम आपसे गुजारिश है कि इनको इधर से उठाना चाहिए, ठीक है इधर नहीं फेंके है, नहीं तो हम इधर बिल्कुल बंद कर देंगे इसको, ठीक है। इस तरह के गंदगी कीटाणु वगैरह यहाँ आ रही है, बीमारियाँ फैल रही है, और सरकार के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है कि लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं, बसेस जाती हैं यहाँ से। हाँ तो बहुत वो बड़ी वो बोला, वो एक बार ही नहीं बोला, बड़ी बड़ी बोला है, ठीक है कोई सुन नहीं रहा, और हम ड्राइवर क्लीनर हैं, घर से आते हैं सुबह स्नान करते आते हैं, सुबह साफ सफाई इधर बोलते हैं, ये क्या है, जहाँ गाड़ी लगाएंगे इधर बच्चे आर्मी के स्कूल है पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो भी इधर से ऐसा कर रहे, ड्राइवर ऐसे रहते, वो वहाँ जाएगी नहीं, बोलेंगे इसके ये बस में नहीं बैठेंगे, क्यों कि इतनी गंदगी है, सवारी नहीं हमारे साथ बैठ रही, बोलेंगे वो बीमारी हो गई है, इतने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी गंदगी है, लोग नहीं आते हैं कि यहाँ पर जो है लोग गंदगी में रह रहे हैं, बसेस ही निकलती हैं यहाँ से, हमारे कम से कम 1000 वर्कर है इधर, जोगिया बात नहीं कि मीडिया वाले भी बहुत बार आए हैं इधर, उन्होंने बहुत बार मैडम को भी बोला है, सबको बोला, लेकिन इधर से उठाते ही नहीं ये, लेकिन हमारे जो ड्राइवर क्लीनर हैं बहुत ही परेशान हैं बेचारे, क्या करेंगे,
तो हमारे साथ दो होटल हैं, तो उनका बेचारे का काम ठप पड़ा है, क्या करेंगे वो बेचारे, कहाँ से कहाँ। हमारे जो ड्राइवर क्लीनर हैं हमारे भाई हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठ नहीं सकते, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। सुनने को आया था यहाँ पर जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मेयर भी आए थे कि यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या परेशानी आ रही है, लेकिन फिलहाल हाल का वही हाल है। उन्होंने देखा लेकिन देखकर अनदेखी कर दी, उन्होंने अनदेखी कर दी, इधर सुनता ही नहीं हमारी। इधर KVI स्कूल है, KVI स्कूल अब तो चलो लॉकडाउन की वजह से बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन साथ में क्वार्टर हैं, आर्मी के क्वार्टर हैं, उनको बहुत परेशानी है बेचारों को, तो बच्चे जो आते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं KVI स्कूल 52 नंबर के। तो देख लो आप, बाकी मीडिया वालों ने एक दो बार पहले भी बोला है इनको, तो ये सुनते ही नहीं है। मैडम भी आई थी जो कारपेंटर की मैडम है, वो भी आई थी इधर, उन्होंने देखा लेकिन उनको भी दखलंदाजी कर दी उन्होंने भी। जहाँ जम्मू कठुआ बस यूनियन से लोग परेशान हैं, वहीं इस बस स्टैंड के साथ में कुछ लोग जो है यहाँ पे ढाबा है इनका, ताकि लोग यहाँ पर आकर खाना खाएं और इनका भी कहीं ना कहीं घर परिवार चले, तो मैं इनसे बात करती हूँ। सर, इतनी गंदगी है यहाँ पे, कितना असर गंदगी की वजह से आपके काम पे पड़ा है? हमारा काम ही खत्म हो गया मैम, अभी दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है, तो एक भी कस्टमर नहीं है दुकान पे, हमें तो अपना घर चलाना बड़ी मुश्किल हो गया है, लेबर का खर्चा नहीं निकल रहा, इतनी गंदगी में कौन आएगा, वैसे कोरोना का इतना डर है तो हम तो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, दुकान खोल के बैठे हैं लेकिन एक पैसे की कमाई नहीं है। इतना समय हो गया गुहार लगाते कि आखिरकार कोई यहाँ पर आए और इसके सफाई की जो है देखरेख की जाए, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक प्रशासन से नहीं आया। 6-7 साल हो गए, एक दो बार मैम आई थी देखने के लिए, लेकिन उन्होंने भी खाली बोला था कि नहीं हम कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है, तो हमारा तो परिवार चलाना मुश्किल होगा हमारे लिए, लेबर बैठी हमको खर्चा नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी हमें। किस तरह की परेशानियाँ आपको भी यहाँ पर आ रही है कि लोग इतनी गंदगी देखकर आगे नहीं आते हैं, ऊपर से महामारी का समय है, लोग अपनी स्वच्छता का जो है सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं? जी मैम, देखो ये हमारे पास कोई बंदा आता नहीं है खाना खाने के लिए, क्योंकि गंद बहुत है इधर, इतनी गंदगी में वैसे जहाँ से कोई निकलने के लिए भी डरता है। एक तो ऊपर से रोड की हाल देखो, जहाँ कई ओल्ड आर टी ऑफिस है नंबर लगवाने के लिए आते हैं, और कई बार इधर जो नई नई लड़कियाँ जांच नहीं होती उनको गाड़ी चलाने की पूरी, तो इधर कीचड़ में गिर जाती है, हम खुद जहाँ उठाते हैं उनको, कई बार हमने ऐसा हुआ है, और वो भी बोलते हैं कि कैसा प्रशासन है, चार पाँच आदमी, एक दिन लड़कियाँ गिरी थी, 2-3 लड़के इधर गिरे हैं नंबर लगवाने के लिए आते हैं, प्रशासन को देखना चाहिए, पाइप कई दिनों से लीक है, ऊपर से गंदगी जहाँ डाली जा रही है, हमारा तो बिल्कुल काम जीरो हो गया, ग्राहक एक भी नहीं है, 2 दुकानें हैं इधर, दोनों पे कोई ग्राहक नहीं है, दिन को भी नहीं आता है कोई, रात को भी नहीं आता है। आपका कहना है 6-7 साल हो गए इस गंदगी को यहाँ पे ऐसे पड़े हुए, जब बरसात का मौसम होता है यहाँ पर पानी भी इकट्ठा हो जाता होगा, इधर तो हमारा खुद निकलना मुश्किल होता है, तो पैसा जिसने खाना खाना है पैसे देने, वो इतनी दूर कहाँ चिकन किचन में चल के आएगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सैनिटाइज चार्ज लिए जाते हैं, जब लाइसेंस नहीं करवाते हैं सैनिटेशन चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन हम देते हैं फीस देते हैं, लेकिन अब तो अब 1-2 साल हो गए हम तो लाइसेंस भी रिन्यू नहीं करवा सके, खाना पूरा नहीं होता, लाइसेंस गवर्नमेंट को कहाँ से फीस देंगे लाइसेंस रिन्यू करवाने की और सैनिटेशन की, तो हमारा तो काम ही बंद हो गया बिल्कुल, हम तो सोच रहे हैं कि क्या करें, अगर कहीं और रेडी पड़ी लगवाते हैं तो उसके लिए फिर लाइसेंस मांगते हैं, तो कहाँ से बनाएंगे लाइसेंस। कुछ घर परिवार जो है वो लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग ढाबा चलाकर अपना घर परिवार चलाते हैं, लेकिन इतनी गंदगी देखकर जब यहाँ कोई लोग नहीं आएगा तो इन लोगों का रहना भी जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो साफ तौर से आपने सुना कि इन लोगों का क्या कहना था कि इतनी गंदगी है यहाँ पर, कि यहाँ पर लोगों को कई बार स्लिप लग जाती है, पाइप लीकेज है, इतनी गंदगी है, तो किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर इतना रास्ता छोड़कर इस गंदगी में आएंगे और इन लोगों का घर परिवार जो है वो किस प्रकार चलेगा। इस समय इनका कहना है कि दोपहर का समय है, लोगों का खाना खाने का समय है, लेकिन एक भी ग्राहक जो है अभी तक यहाँ नहीं आया है, कि इतनी गंदगी है यहाँ पर। काफ़ी टाइम से ये लोग जो है गुहार भी लगा रहे हैं कि मेयर भी यहाँ पर आए साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए, लेकिन सब सुनकर चले गए, अभी तक जो है यहाँ पर कोई आया नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ जगह पीछे खाली भी है। इनका कहना है कि गंदगी का ढेर जो है वहाँ लगाया जाए, यहाँ पे बीचों बीच जो है वो डंपिंग यार्ड ना बनाए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ, शाम जी के साथ ऋतिका।